को। अरे वो आदमी क्यों खेलता है इस टीम में, हमको समझाइए ना। जो पता है नामीबिया अफगानिस्तान बांग्लादेश के साथ रन बनाता है तो उसी में खिलाना चाहिए। साला केएल राहुल पे बहस किया, कितना गुस्सा आ रहा है कि तू कैप्टन है, तू क्रिकेटर है यार, 20 ओवर का गेम वाला नहीं है तू। इतना बड़ा फील्ड लेके थ्रू आउट टूर्नामेंट, ये टूर्नामेंट हारने का एक ही वजह है। और तुमको मालूम है तुम्हारी टीम में केएल राहुल नाम का बंदा खेल रहा है, किसी को कानो कान खबर नहीं होने दिया है, कोई सुबुरात नहीं होता है, आता है जाता है, राम राम आता है राम राम जाता है, किसी भी इंटेलिजेंस को पता नहीं है कि केएल राहुल खेल रहा है इस टीम में। भारत के क्रिकेट के सभी प्रारूपों के हो, सभी प्रारूपों को नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा। यह मेरी अटल प्रतिज्ञा, मेरी अटल प्रतिज्ञा है। नमस्कार, मैं डीएस गौतम और आप देख रहे हैं एचएनपी न्यूज। आपको बता दें, इंडिया टी20 वर्ल्ड कप हार चुकी है, इंडिया टी20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड से हार चुकी है। लेकिन वहीं इंडिया में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लेकिन इसको लेकर किसे जिम्मेदार ठहराया जाए, किसे नहीं जिम्मेदार ठहराया जाए, इसको लेकर भी बड़ा सवाल उठ रहा है। लेकिन यहां पर रोहित शर्मा को लेके, रोहित शर्मा की कप्तानी को लेके बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं। पहले आप ये पूरी वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम पूरी चर्चा करेंगे कि सबसे बड़ी वजह भारत के हारने की क्या रही। अरे वो आदमी क्यों खेलता है इस टीम में, हमको समझाइए ना। जो पता है नामीबिया अफगानिस्तान बांग्लादेश के साथ रन बनाता है तो उसी में खिलाना चाहिए। साला केएल राहुल पे बहस किया, कितना गुस्सा आ रहा है कि वो सारा राहुल। तू कैप्टन है, तू क्रिकेटर है यार, 20 ओवर का गेम वाला नहीं है तू। इतना बड़ा फील्ड लेके थ्रू आउट टूर्नामेंट, ये टूर्नामेंट हारने का एक ही वजह है तू और कैप्टन और अपना केएल राहुल। अरे तुम लोग क्या करने के लिए आए हो, अच्छे अच्छे प्लेयर को उधर छोड़ के आए तुम लोग। एक ओपनिंग, एक भी मैच तुम लोग 50 रन के ऊपर मारा 6 ओवर में, तू 50 ओवर का मैच खेलने आया इधर। ऐसा कैप्टन, वर्स्ट कैप्टन किधर देखा ही नहीं है। 2007 में धोनी ने सही किया था, सब यंगस्टर्स को लेके गया था, सब 30 के ऊपर वाले लड़के लोग को लेके गया, बूढ़े लोग। ये दोनों की वजह से मैच टूर्नामेंट पूरा हम लोग के नाम खराब कर दिया तुम लोग। हम लोगों को कल ड्यूटी पे जाने का है, सबके मुंह देखने का है, हमारा जो पाकिस्तान भाई लोग का भी सामने जाने का है। तो ये सोच के रखा है तुम लोग सामने, तुम लोग दोनों मिलके फाइनल में आएगा। यार तुम लोग है ना, बिल्कुल क्वालिटी नहीं है तुम लोग। बच गया, तुम लोग ये ग्रुप में है, वो ग्रुप में रहता था ना, तुम लोग पहले राउंड में हार जाता था। तुम लोग ये ग्रुप में भी किसके साथ में जीता, तुम ये बच्चे लोग के सामने जीता यार। दो ही एक ही मैच जीता वो पाकिस्तान के साथ में, उस तुम लोग अभी देखा ना, साउथ अफ्रीका के सामने कुछ नहीं कर पाया, ये देख इंग्लैंड के सामने क्या कर रहे तुम यार। तुम्हारे पास बिल्कुल क्वालिटी नहीं है, बिल्कुल क्वालिटी नहीं है, जाओ घर पे बैठो। बूढ़े लोग बड़ा फेड़ रख के आया हुआ है, ना भागता नहीं है, ना रन मार नहीं सकते, डर डर के खेलता है। हमारा संजू उधर बैठा हुआ है, उसको लेके आने का था, पहले बोला था ना यार पब्लिक उसके साथ, वो तो फास्ट पिच पे वही खेलता है। कितने जन ने बोला, तुमने लिया नहीं, तुम्हारा अपना आदमी लोग को लेके आए तुम। केएल राहुल प्लेयर है यार, तुम्हारे जैसा आदमी को कैप्टन बना, उसको मारने का अपना कोच को मारने का पहला यार, तेरे को है ना अभी बोल के कुछ फायदा नहीं। वहीं जैसा को भी लेके इंडिया में, भारत में बहुत सवाल उठ रहे हैं और बहुत विरोध किया जा रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि गोदी मीडिया ने भी अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी है, गोदी मीडिया को भी लोगों ने बुरी तरह से लताड़ लगाई है। आपको बता दें, जिस तरह से लोगों के बीच में गोदी मीडिया, जैसे जी न्यूज है, जी न्यूज लोगों के बीच में गया कि इंग्लैंड और भारत में से कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, इसको लेकर बड़ी बहस चल रही थी। इसी बीच में एक युवा ने गोदी मीडिया को, जी न्यूज के पत्रकार को, एंकर को लताड़ लगा दी। उसने कहा कि आप यहां पर हिंदू मुस्लिम मत कीजिएगा, यहां पर चाहे कोई भी जीते लेकिन यहां पर हिंदू मुस्लिम करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी को लेके जी न्यूज का पत्रकार वहां से भाग जाता है। पहले आप ये पूरी वीडियो देख लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये जैसे कि गेम है हमारे हाथ में, नहीं तो दूसरों के हाथ में, इट्स ऑल राइट। इज इट गोइंग लाइव? ओके, सो दिस इज जी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, इफ यू डोंट माइंड
यहाँ पे एटलीस्ट हिंदू मुसलमान मत करना। यू आर द वर्स्ट मीडिया चैनल। बात करेंगे इस बारे में, बात नहीं हुई। आपने ये वीडियो देख ली किस तरह से जी न्यूज के पत्रकार पब्लिक के बीच में हल्ला बोल चला रहे थे, लेकिन वहीं एक व्यक्ति कहता है कि इंडिया और इंग्लैंड में कोई भी जीते लेकिन यहां पर भी हिंदू मुस्लिम मत कीजिएगा। मतलब जनता को मालूम पड़ गया है कि इस देश में नफरत कौन फैला रहा है, इस देश में लोगों के बीच में नफरत कौन फैला रहा है। जी न्यूज के पत्रकार को बुरी तरह से लताड़ लगाई है, आपने देखा ही है। आगे हम और बताते हैं जिस तरह से टीम इंडिया की करारी हार मिली है, टीम इंडिया को बुरी तरह से T20 वर्ल्ड कप में हार मिली है, उसके पीछे लोग ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर सबसे बड़ा जिम्मेदार जातिवादी टीम को माना जा रहा है। आपको बता दें सबसे बड़ा जिम्मेदार रोहित शर्मा को माना जा रहा है। रोहित शर्मा, केएल राहुल, रोहित शर्मा और केएल राहुल की ओपनिंग सबसे घटिया रही है। आपको बता दें रोहित शर्मा और केएल राहुल जिस तरह से भारत को दमदार ओपनिंग नहीं दे पाते थे, इस वजह से टीम इंडिया की सबसे बड़ी हार हुई है। वही टीम इंडिया की सबसे घटिया कप्तानी का जिम्मेदार कौन है? रोहित शर्मा। अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ा घटिया कप्तान रोहित शर्मा को जिम्मेदार माना जा रहा है। ट्विटर पर बड़ा ट्रेंड चल रहा है। लेकिन विराट कोहली की जिस तरह से आलोचना हो रही थी T20 वर्ल्ड कप से पहले, लेकिन विराट कोहली ने भी अपना कारनामा पूरा दिखाया। लेकिन रोहित शर्मा किसी कमजोर टीम के सामने चलते हैं, 10-20-50 रन बना देते हैं, लेकिन जहां पर मजबूत टीम आती है ऑस्ट्रेलिया जैसी या फिर कहें इंग्लैंड जैसी, साउथ अफ्रीका जैसी, उसके सामने रोहित शर्मा पर रन नहीं बनते। लेकिन रोहित शर्मा टीम इंडिया में है, इसका मतलब क्या है? रोहित शर्मा से क्या कप्तानी नहीं लेनी चाहिए? टीम इंडिया को रोहित शर्मा से कप्तानी वापस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? आप बताइए, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको क्या लगता है इस देश में किस तरह का माहौल है? एक तरफ कहते हैं कि आरक्षण की वजह से देश बर्बाद हो रहा है, टीम इंडिया में कोई आरक्षण नहीं है, फिर भी टीम इंडिया हार जाती है इंग्लैंड के खिलाफ। टीम इंडिया में आपको बता दें किसी भी तरह का आरक्षण नहीं है, लेकिन वही टीम इंडिया इंग्लैंड के सामने हार जाती है। इंडिया और इंग्लैंड का जो मैच हो रहा था सेमीफाइनल, उससे पहले गोदी मीडिया ने क्या कुछ नंगा नाच नहीं किया है? आपको बता दें गोदी मीडिया ने टीवी चैनलों पर क्या कुछ नंगा नाच नहीं किया है? आप पहले इन फुटेजों को देख सकते हैं, इन वीडियो को देख सकते हैं कि किस तरह से आज तक जी न्यूज, रिपब्लिक भारत, तमाम ऐसे जो गोदी मीडिया चैनल हैं, गोदी मीडिया एंकर हैं, उन्होंने किस तरह से मजाक बनाया टीवी चैनलों पर बिठा के टीवी चैनलों पर कुछ कह सकते ज्योतिषी को, पाखंडियों को बुलाकर बता दिया कि टीम इंडिया जीतेगी, इंग्लैंड के सामने ग्रह नक्षत्र तमाम तरह की चीजों को लेकर सामने आए, लेकिन टीम इंडिया को ये लोग भी नहीं बचा पाए। टीम इंडिया की हार को जो ज्योतिषी, पंडे, पुजारी भी नहीं बचा पाए। उन्होंने कहा जो ग्रह हैं, ये जितने तारे हैं एक साथ मिलते हैं, लेकिन टीम इंडिया को ये लोग भी नहीं बचा पाए। इतना अंधविश्वास देश के अंदर भर दिया है इन लोगों ने जिसकी कोई सीमा नहीं है। आपको बता दें इस देश में अंधविश्वास जिस तरह से ये गोदी मीडिया टीवी चैनलों के डिबेट पर किस तरह से नंगा नाच करते हैं आपको मालूम है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। कमाल होगा, कवर के ऊपर छक्का मार देगा। अच्छा। और अगर लेग स्टंप के ऊपर बाहर गेंद होगी तो व्यक्ति डीप फाइनल में छह मार देगा। चतुरता के साथ, आपने ये वीडियो देख ली किस तरह से पंडे पुजारियों को बुला के, शंख बजवा के, सब कुछ, मतलब के यही हो रहा है कि इंग्लैंड एक साइंस पर आधारित देश है और इंडिया पाखंडवाद पर आधारित एक देश है। दोनों में तुलना की जा रही है कि हाँ, इंडिया की जो सुपर पावर है इंग्लैंड के बैट्समैन को हरा देगी,
सही समय चालू होगा। तमाम ऐसी चीजें भारत बोली गई, इतनी बकवास की गई अंधविश्वास के आधार पर, अंधविश्वास के नाम पर कितनी देश में कर्मकांड फैलाया जा रहा है। लोगों को समझ में आना चाहिए, ऐसे लोगों को बहिष्कार करना चाहिए। किस तरह से नंगा नाच करते हैं टीवी चैनलों पर बिठा के, लोगों के बीच में किस तरह का ये नफरत फैला रहे हैं, लोगों के बीच में किस तरह का मैसेज पहुंचा रहे हैं। इंग्लैंड जहां साइंस पे आधारित कंट्री है, उसको ये लोग पाखंडी लोग चैलेंज कर रहे हैं कि इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। लेकिन इंडिया के बॉलर, इंडिया के बैट्समैन इंग्लैंड के सामने धराशायी हो गए। इंग्लैंड के जो कप्तान थे जॉस बटलर ने इतनी कुटाई की इन लोगों की, इतनी कुटाई की कि इनको पता ही नहीं चला कि कब हार गए ये लोग। साथ साथ आपको बता दें कि इंग्लैंड के जो ओपनर बल्लेबाज थे उनको इंडियन बॉलर एक भी आउट नहीं कर पाया। शुरू से एंड तक उनकी ओपनिंग साझेदारी इतनी धमाकेदार रही कि उन्होंने कब 170 रन बना लिए पता ही नहीं चला। और ये लोग टीवी डिबेट पर बैठ के नंगा नाच करते हैं कि लोगों के बीच में अंधविश्वास फैलाते हैं, ये टीम इंडिया को जिताने का ठेका ले रखा है। वही बता दें आपको, अमित शाह के बेटे जय शाह पर भी उंगली उठ रही है। आपको बता दें अमित शाह के लड़के जय शाह पर भी उंगली उठ रही है कि जय शाह ने भी इंडियन टीम को बर्बाद कर दिया है। सोशल मीडिया ट्विटर पर बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि जय शाह ने टीम इंडिया को बर्बाद कर दिया। इसके साथ साथ आपको एक और बात बता देते हैं, देश में आईपीएल ने भी टीम इंडिया को बर्बाद कर दिया है। आपको बता दें आईपीएल पे भी टीम इंडिया ने जिस तरह से बोली लगवाई है खिलाड़ियों की, उससे भी टीम इंडिया के खिलाड़ी बहुत ही नकारे निकम्मे हो गए हैं। टीम इंडिया इसी वजह से देश और दुनिया में थू थू करवा रही है। जब पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हारी थी तो वही ये इंडिया के अंधभक्त लोग पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे थे कि आपके कराची की टिकट बुक हो गई, कराची की टिकट बुक हो गई। लेकिन टीम इंडिया ने क्या कुछ नहीं किया, टीम इंडिया एक तरह से धराशायी हो गई। ओपनर बल्लेबाज एक तरह से धराशायी हो गए। केएल राहुल की बात करें, केएल राहुल शुरू से नहीं चल रहे, उनको टीम इंडिया में लिया ही क्यों है। आपको बता दें ये टीम इंडिया के लोग जो बैट्समैन हैं, जो क्रिकेटर हैं, इन पर रोक लगनी चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए। ये एडवर्टाइज करते हैं ड्रीम इलेवन खेलो, ये इलेवन खेलो, जुआ को प्रमोट करते हैं, लेकिन यही लोग क्रिकेट को बेहतर बनाने पर नहीं काम करते। आपकी क्या राय है, ये बात सच है कि गलत है? ये लोग जुआ को प्रमोट करते हैं लेकिन टीम इंडिया को बेहतर बनाने के लिए काम नहीं करते। आप बताइए, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। टीम इंडिया के जो बेहतर खिलाड़ी थे उनको जगह नहीं दी गई, जबकि जो टीम इंडिया में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे थे उनको टीम इंडिया में धड़ल्ले से खिलाया जा रहा है। जो अमित शाह के बेटे हैं जय शाह की मौजूदगी में टीम इंडिया को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, लोग इस पर उंगली उठा रहे हैं, ट्रेंड चला रहे हैं कि किस तरह से इंडिया की शर्मनाक हार हुई है, इंडिया की शर्मनाक हार हुई है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। शोएब अख्तर ने भी खूब मजाक उड़ाया है टीम इंडिया का कि ये एक भी विकेट नहीं ले पाए, एक भी आउट नहीं कर पाए इंग्लैंड के खिलाड़ी को। इस तरह का क्रिकेट खेलेंगे आप? जब पाकिस्तान हारा था आप बड़ा मजाक उड़ा रहे थे, आज अंधभक्तों से सवाल है, खासकर मेरा सवाल है कि जिस तरह से आपको पाकिस्तान से कुछ हो तो आप तुरंत आपके अंदर का हिंदुत्व या राष्ट्रवाद जाग जाता है, जहां देश में जिन चीजों पर बात होनी चाहिए, जिन चीजों को लेके मुद्दा बनना चाहिए उस पर तो बात नहीं करते। जिस तरह से देश की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वही क्रिकेट टीम की भी धज्जियां उड़ा दी। रोहित शर्मा को टीम इंडिया में जिस तरह लिया गया, रोहित शर्मा की जिस तरह से घटिया परफॉर्मेंस के आधार पर
उसने टीम इंडिया को बर्बाद कर दिया। जिस तरह से विराट कोहली पर आरोप लगे थे कि विराट कोहली की कप्तानी बहुत अच्छी नहीं है, विराट कोहली को कप्तानी से छीन लेनी चाहिए, कप्तानी से हटा देना चाहिए, रोहित शर्मा की कप्तानी वापस कब ली जाएगी? आप बताइए, रोहित शर्मा से कप्तानी को वापस कब लिया जाएगा? इस देश में जातिवाद खत्म करके एक सही टीम का गठन किया जाए। देश में बोलते हैं देश को बर्बाद करने में रिजर्वेशन का सबसे बड़ा हाथ है, लेकिन टीम इंडिया को बर्बाद करने में मनुवादी या ब्राह्मणवादी सोच का सबसे बड़ा हाथ है। ये आपकी क्या राय है, आप क्या मानते हैं इस चीज को? जिस तरह से ओपनर बल्लेबाजों से लेके शुरू के एंड तक गेंदबाजों तक सो कॉल्ड अपर कास्ट बढ़े हुए हैं, लेकिन वहीं देखें कहते हैं कि रिजर्वेशन ने देश बर्बाद कर दिया, लेकिन टीम इंडिया की जिस तरह से हार हुई है उससे क्या मालूम पड़ता है? यहां कुछ क्या हो रहा है? आपको शर्म आनी चाहिए। जिस तरह से अंधभक्त डंका पीटते थे कि अब तो फाइनल ले आएंगे, अब तो फाइनल ले आएंगे, किसके दम पे फाइनल लेके आएंगे, किसके दम पे T20 वर्ल्ड कप जीतेंगे? 2007 में आपने धोनी की कैप्टेंसी में T20 वर्ल्ड कप जीत लिया, उसके बाद से आपका भारत का सपना यूं का त्यों बना रहा है। अभी तक टीम इंडिया ने एक भी वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता है 2007 के बाद से। आपको बता दें पिछले 2021 में भी टीम इंडिया 10 विकेट से हारी थी, वो भी पाकिस्तान से। इस बार इंग्लैंड से 10 विकेट से हारी है, ये बहुत ही शर्मनाक हार है। पिछले दो सालों में 2021 में और 2022 में टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में बहुत ही शर्मनाक हार मिली है। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ये बात पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो आल का बटन है उसको भी दबा लीजिए, जिससे कि हर एक अपडेट आपके पास मिल सके। और आपको बता दें, अगर आप हमें कुछ समर्थन करना चाहते हैं, जो ज्वाइन वाला बटन है उसे ज्वाइन कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि और लोगों को भी जानकारी मिल सके। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए HNP News के साथ। मैं DS गौतम, धन्यवाद।